हेलो फ्रेंड्स, मटेरियल पेपर प्लेट ग्रीन एंड ब्लैक, पोस्टर कलर रेड कलर, ग्रीन कलर एंड वाइट कलर का पेपर चाहिए हमें। एक सीजर, एक दो ब्रशेस चाहिए। वाइट पेपर है, स्टेपलर, एक छोटा सा बाउल जैसा कलर निकालने के लिए, या प्लेट भी चलेगी, कलर प्लेट, हैंकी ब्रशेस साफ करने के लिए, और थोड़ा वाटर मिक्स करने के लिए पानी। ये हमने कलर निकाल लिया है, उसमें अच्छे से पानी मिला के कलर को अच्छे से मीडियम कर लिया है। बहुत पतला भी नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए। अब पेपर प्लेट को हम हाफ फोल्ड करके बाद में एक साइड कलर करेंगे। पहले अच्छे से फिनिशिंग के साथ प्लेट ब्रश लेंगे, बड़ी वाली तो आसानी से जल्दी से हो जाएगा। आपके पास छोटी राउंड राउंड ब्रश या छोटी ब्रश है तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। कलर करने के बाद हम उसको 3 मिनट सूखने के लिए रखेंगे फैन चालू करके, तो अच्छे से सूख जाएंगे। ये मेरा सूख चुका है अभी। अब दूसरी साइड, पीछे वाली साइड हम कलर करेंगे। अच्छे से करना है, कुछ बाकी नहीं रहना चाहिए वाइट वाइट, वरना वो अच्छा दिखेगा नहीं। हमने अच्छे से कलर कर लिया, जब तक वो सूखेगा तब तक हम आइस ड्रॉ करेंगे। ओवल जैसा शेप बनाना है वाइट पेपर पे। आपको अच्छे से दिख नहीं रहा है, अभी अच्छे से दिखाएंगे हम। उसको फोल्ड कर देंगे तो एक साथ दो आइस कटिंग हो जाएगी। अब देख सकते हैं ओवल जैसा शेप मैंने कटिंग कर लिया है। अब ये मार्कर है, परमानेंट मार्कर ब्लैक कलर का, जो हमने ब्लैक कलर लेने वाले थे उसकी जगह ये वाला है हम यूज कर सकते हैं। ब्लैक कलर से करना है तो वो राउंड ब्रश से करना पड़ेगा, लेकिन ये बेहतर है, अच्छे से हो जाएगा। आप ब्रश से भी कर सकते हैं, ब्लैक कलर से, लेकिन मार्कर अच्छा रहेगा, जल्दी हो जाएगा। अच्छे से फिनिशिंग के साथ हम थोड़ी वाइट स्पेस रखेंगे बाहर की ओर, ताकि अच्छा दिखे आइस। हमने आइस अच्छे से कर ली है आउटलाइन। अभी कलर का पेपर लेंगे, उसको फोल्ड कर देंगे। पेपर पतला है तो उसको जाड़ा कर देंगे, इसलिए फोल्ड करके ड्रॉ कर रहे हैं हम। ऊपर से पतला, नीचे से ज़्यादा रखना है। यहाँ पे ग्लू या कुछ भी आप लगा सकते हैं चिपकाने के लिए, ताकि हमारा जो हमें चाहिए वो जाड़ा मिले। पेपर पतला है तो जाड़ा हो गया अभी। दो पेपर को चिपकाने के बाद उसको अच्छे से कटिंग कर लेंगे, जो जैसा ड्रॉ किया है हमने। ये हमारा कटिंग हो गया है।
ये हमारा ट्रॉन्ग रेडी हो गया है। अब हम ग्रीन कलर के पेपर से इसके लेग्स बनाएंगे, ऐसे फोल्ड करके बनाएंगे तो एक साथ दो बन जाएंगे। आप चार भी कटिंग कर सकते हैं, एक साथ ड्रॉ कर लेंगे जैसा हमें चाहिए। हमने ड्रॉ कर लिया, अब हम सीजर की मदद से इसको कटिंग करेंगे। कटिंग करते वक्त आप तो लगता है कि इसे थोड़ा इधर से काटना है तो काट सकते हैं, जैसा ड्रॉ किया है वैसा ही काटने की ज़रूरत नहीं है, गलती है तो आप सुधार सकते हैं उसको। कैंची से काटते वक्त लग ना जाए उसका भी ध्यान रखना है हमें। ये हमारे लेग्स कटिंग हो चुके हैं, आगे वाले अभी पीछे वाले भी हमने कटिंग कर लिए, तो रेडी है टू आइज टंग्स एंड लेग्स फोर लेग्स। ये पेपर प्लेट सूख चुका है अभी जो हमने पेंट किया था ग्रीन कलर से, अब इसको हम फोल्ड कर देंगे हाफ। अभी जो हमने चीज़ें बनाई उसको चिपकाना स्टार्ट करेंगे स्टेपलर की मदद से, थोड़ा डिस्टेंस रखना है बीच में। अब स्टेपलर लगाएंगे नीचे वाले पार्ट में हम, अच्छे से लगाना है, टंग्स लगाएंगे। दो स्टेपलर लगाएंगे, अब उसके लेग्स बाकी है तो हम चिपकाएंगे। आगे वाले लेग्स हम पेपर प्लेट के ऊपर लगाएंगे, दोनों के डिस्टेंस सेम होना चाहिए दोनों का। अब पीछे वाले लेग्स हम पेपर प्लेट के नीचे लगाएंगे पीछे से, पेपर प्लेट को अच्छे से सूखने देना है, उसके बाद ही आपको ये चिपकाना स्टार्ट करना है, क्योंकि वरना आप गीले में करेंगे तो पेपर प्लेट का कलर निकलेगा क्योंकि ये वाटर कलर है। ये हमने अच्छे से चिपका लिया, अब पीछे स्टेपलर लगाएंगे ताकि हमारा वो पूरा एक साथ ज़्यादा मोड़े ना। ये हमारा रेडी हो चुका है अभी फ्रॉग। दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको ऐसे नए नए वीडियो मिलते रहे क्राफ्ट और ड्राइंग के, तो आप अच्छे से ड्राइंग और क्राफ्ट सीख पाए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।